नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीएच सीरीज के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। इसके प्रोसेस के रिगार्डिंग परिवहन की साइट पर भी एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो अपना जीमेल अकाउंट साइन इन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा परिवहन, उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बीएच सीरीज के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टेप वन, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द न्यू व्हीकल द डीलर विल फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 ऑन वाहन पोर्टल ऑन बिहाफ ऑफ ओनर। अभी ये जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया है, ये न्यू व्हीकल के लिए किया गया है। तो अगर आप नया व्हीकल परचेज कर रहे हो, तब के लिए ये प्रोसेस अभी स्टार्ट किया गया है। अब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कॉपी ऑफ ऑफिशियल आईडी, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयज ऑफ प्राइवेट सेक्टर विद ऑफिस इन फोर और मोर स्टेट, यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वो एम्प्लॉयज जिनके ऑफिस चार या चार से ज्यादा स्टेट्स में है, तो उनको जो डॉक्यूमेंट देने हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज है वो उनको देना है वर्किंग सर्टिफिकेट इन फॉर्म 60। उसके बाद यहाँ पे थर्ड इसमें देख सकते हो ओनरशिप टाइप, इंडिविजुअल परचेजिंग न्यू नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओनली। तो यानी कि जो इंडिविजुअल है, जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल परचेज कर रहा है नया वाला, उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है अभी जो स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे आप इसका फॉर्मेट देख सकते हो किस तरीके से ये सीरीज रहेगी बीएच की। तो यहाँ पे आप यहाँ पे रहेगा ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये बीएच कोड फॉर भारत सीरीज है बीएच। उसके बाद ये रैंडम नंबर है, उसके बाद XX जो है टू अल्फाबेट। अब यहाँ पे रोड टैक्स का भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो अगर आपका जो व्हीकल है जो आपने परचेज किया है उसका प्राइस अगर 10 लाख से कम है तो 8% टैक्स देना है। अगर पेट्रोल, ये जो रेट, ये जो वो दिया हो गया है व्हीकल टैक्स परसेंटेज, तो ये आपके पेट्रोल व्हीकल के लिए दिया गया है। अगर आपका डीजल व्हीकल है तो 2% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, और अगर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो 2% की छूट दी गई है। तो बिलो 10 लाख 8% टैक्स, अगर व्हीकल की कीमत 10 to 20 लाख के बीच है तो 10% टैक्स देना है, और अगर 20 लाख से ऊपर व्हीकल की कीमत है, यानी वाहन की अगर कीमत 20 लाख से ऊपर है तो 12% टैक्स देना है। ये जो टैक्स रेट है ये पेट्रोल के लिए है, यानी जो पेट्रोल व्हीकल है, और अगर आपका डीजल व्हीकल है तो ये जो रेट दिए गए हैं तो इसका ये जो 2% एक्स्ट्रा चार्ज, तो उनको 2% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो 2% उनके लिए छूट है, 2% लेस टैक्स उनको पे करना है। अब यहाँ पे 2 साल के लिए आपको किस तरीके से टैक्स होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप 5 में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होगा। स्टेप 1 में एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द न्यू व्हीकल द डीलर विल फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 ऑन वाहन पोर्टल ऑन बिहाफ बिहाफ ऑफ ओनर। तो ये जो फार्म है, ये उसकी जो डीलर है जहाँ से आप परचेज करोगे उनके द्वारा ही भरा जाएगा, फार्म 20 भरा जाएगा, उसमें पूरी डिटेल्स आपके व्हीकल की भरी जाएगी। उसके बाद स्टेप 2, सिलेक्शन ऑफ सीरीज टाइप, डीलर नीड्स टू सेलेक्ट द सीरीज टाइप एज भारत सीरीज। तो जो डीलर है उसको वहां पे सेलेक्ट करना होगा, जब फार्म भरेगा वो तो भारत सीरीज उसको डालना होगा वहां पे। उसके बाद स्टेप 3, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, डीलर विल अपलोड द वर्किंग सर्टिफिकेट फॉर्म 60।
यानी कि अगर जो इम्प्लॉयज है प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहा है तो उसको फार्म साठ जो एम्प्लॉयज वर्किंग सर्टिफिकेट जो फार्म 60 है वो भर के देना है। वहीं अगर गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयज काम कर रहा है तो उसको ऑफिशियल आईडी कार्ड अलोंग विद अदर डॉक्यूमेंट जो अदर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो देने होंगे। उसके बाद स्टेप 4 अप्रूवल फॉर द बीएच सीरीज एप्लीकेशन टू द डन बाय द आरटीओ। तो उसके बाद ये अप्रूवल के लिए चला जाएगा आरटीओ जो है आप ऐप की एप्लीकेशन। और उसके बाद स्टेप 5 होता है लास्ट वाला पे ऑनलाइन रिक्वायर्ड फीस या एमवी टैक्स इनिशियल फॉर 2 ईयर। तो शुरुआत में 2 साल के लिए रोड टैक्स का जो पेमेंट करना होगा मोटर व्हीकल टैक्स इस शुरू में 2 साल के लिए करना है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्होंने दिया हुआ है आफ्टर द अबोव स्टेप्स आर कंप्लीटेड पोस्ट अप्रूवल द 1-4 विल जनरेट बीएच सीरीज नंबर रैंडमली। तो अगर ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट कर दिया जाएगा तो उसके बाद वाहन 4 की तरफ से बीएच सीरीज और रैंडमली जनरेट कर दिया जाएगा जो कि ऑल ऑल इंडिया सीरीज रहेगा। ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग रैंडमली जनरेट कर दिया जाएगा आपका नंबर। और यहाँ पे सबसिक्वेंसली द व्हीकल ओनर हैव टू पे दो टू टू ईयर एमवी टैक्स टिल द व्हीकल एज ऑफ 14 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर 14 ईयर द एमवी टैक्स शैल बी पेड एनुअली ऑनलाइन। यानी जब तक 14 ईयर एज हो जाएगी व्हीकल की तब तक दो दो साल के लिए रोड टैक्स आपको पे करना होगा। जैसे ही 14 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एनुअली पे करना है। और ज़्यादा आप जानकारी देखना चाहते हैं तो जो गजेटेड नोटिफिकेशन जो 26 अगस्त को इन्होंने रिलीज किया है उसको आप पढ़ सकते हैं, या एक मैंने स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है जिसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उसको देख के आप पूरी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग जान सकते हैं। अगर आपको वाहन का फॉर्म 20 चाहिए तो मैं उसका भी फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको नहीं मिलता उसका फॉर्मेट तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसको देख के आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म 20 को। ये दोस्तों पूरा तरीका है अभी जो ये स्टार्ट किया गया है ये न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए किया गया है। उम्मीद है आगे आने वाले टाइम में अदर व्हीकल के लिए भी किया जा सकता है। अगर अदर व्हीकल के लिए किया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और काफी वीडियो हमने व्हीकल रिलेटेड भी इस चैनल पे अपलोड कर रखी है, यहाँ पे क्लिक करके व्हीकल डाल दीजिएगा, व्हीकल रिलेटेड काफी वीडियो आपको दिख जाएगी, चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल एनओसी। और अगर आपका कॉमर्स वाला ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उसका परमिट का, फिटनेस का भी वीडियो अपलोड कर रखी है, और भी काफी हमने व्हीकल रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप लाइसेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो तो यहाँ पे ड्राइविंग डाल दीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड भी काफी वीडियो हमने अपलोड कर रखे, चाहे लर्नर लाइसेंस हो, चाहे परमानेंट रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, तो बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।